स्टोरी सुनाते हैं वो, ठीक है। हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे साथ वीरेंद्र कृष्ण प्रभु हैं, ठीक है। तो हम उनका वेलकम कैसे करेंगे, वीरेंद्र कृष्ण प्रभु जी का, 3 बार हरी बोल बोल के, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हरी बोल हरी और चलिए बोल हरी अभी प्रेयर्स बोल कौन स्टार्ट करने वाला है, हरी बोल। कौन प्रेयर करेगा, कौन बच्चा? जानवी आप प्रेयर करोगे? माता जी किस चीज की? जो हम मंत्र करते हैं ना, ओम अज्ञाति में मंगलाचरण, कौन करेगा? जानवी आप करोगे मंगलाचरण? माता जी मैं करूंगा। आप सब लोग एक बार कर चुके हो ना, तो नए बच्चों को चांस देते हैं। माता जी हमने नहीं किया है। आपने नहीं किया है? आपने कभी नहीं किया है? नहीं माता जी। अच्छा ठीक है, चलिए जीत आप कीजिए, कीजिए आप ओम अज्ञान पिरांदा से मंगलाचरण शुरू ज्ञानंजल कीजिए। शलाक। ओम अज्ञान पिरांदा से ज्ञानंजल शलाकय तक्षुरम मिलितम येना तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे अच्छा, हरे। किसको पूरा मंगलाचरण? माता जी क्या मैं कर सकती हूँ? हैंड रेस करेंगे बच्चे अपना चैट बॉक्स में, तो उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी मैं। हरे ओके, कौन नहीं कृष्णा। करना चाहता है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। ओके, तो अभी हमारे साथ दंड दंड प्रभु प्रणाम जी माता हैं। जी। हाँ, तो हम प्रभु जी को कैसे वेलकम करेंगे? 3 बार हरी बोल बोल के करेंगे, हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल। बोल ओके, हरी बोल हरी हरी बोल बोल हरी हरी बोल बोल। हरी यस प्रभु जी। बोल हरी बोल अब मैं सब बच्चों हरी को म्यूट बोल। कर रही हूँ, ठीक है। प्रभु जी, आपने कौन सी आईडी से ज्वाइन किया है, किस नाम से? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सार हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, शुरू करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। यस प्रभु जी, हम तो शुरू करते हैं अभी। ओके, हरे कृष्ण। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, ताकि आप भी प्रभु जी को देख सके और आप भी प्रभु जी को दिख पाए, ठीक है। तभी आपको मजा आएगा स्टोरी सुनने में। सारे हरे बच्चे अपना कृष्णा। अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। आज मैं बैक साइड में हूँ, मैं आप सब बच्चों का रिस्पॉन्स देखूंगी, सब बच्चे कैसे अच्छे से सुनते हैं स्टोरी और क्या सीखते हैं। कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् विष्णुवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतरे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पितामह पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे। सब अच्छे हैं। तो अभी
एक कोरोना का थर्ड वेव भी आने वाला है, सभी अपने अपने घर में रहिएगा, डेली योगासन प्राणायाम करिएगा और जो है भगवान का नाम का सुमिरन भी करिएगा, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आज हम लोग विशेष रूप से, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस प्रभु जी। अच्छा, सो आज हम लोग जिनका वर्णन सुनने जा रहे हैं वे बहुत ही महात्मा व्यक्ति हैं, और एक तरह से देखा जाए तो भगवान के जो 12 महाजन हैं उनके अंदर भी उनका एक नाम आता है। सो उनका एक जो प्रथम रूप है वो स्वामी गुरुजी महाराज है। महाभारत काल में ये धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। महाभारत काल के प्रधानमंत्री थे। हाँ, महाभारत काल जो है करीब आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल कहलाता था, जिसको द्वापर युग भी कहा जाता है। उस काल में भगवान श्री कृष्ण आए थे और इस पृथ्वी पर जितने भी दुष्ट और राक्षस लोग अधिक आ गए थे उनका उन्होंने उद्धार किया था। और उसके पहले तो भगवान जो आए थे वो किसके लिए आए थे? अपने भक्तों से मिलने के लिए आए थे, जो भक्त कई जन्मों से भगवान श्री हरि की, कृष्ण की उपासना कर रहे थे। तो भगवान आते किस लिए है? भगवान कब कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान आते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, साधु जो लोग हैं उनको कुछ तकलीफ होती है, तब भगवान आते हैं। और भगवान के जो प्रिय पार्षद लोग हैं, जो भगवान के प्रिय लोग हैं, वे भी भगवान का सहयोग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब आए उस समय भगवान के कई सहयोगी जो उनके मित्र हैं, जो उनके एक्चुअल भगवान के तो सभी सेवक ही हैं, लेकिन भगवान जिनको मित्र मानते थे, भगवान जिनको जिनको भगवान अपने माता पिता के रूप में चाहते थे, उस तरह वे लोग भी सब उस महाभारत काल में, उस द्वापर युग में भगवान के साथ में जन्म लिए। तो हम देखते हैं कि विदुर जी महाराज जो हैं, विदुर जी महाराज के विषय में कि विदुर जी कौन थे, तो विदुर जी को सभी पता है सभी को कि विदुर जी दासी पुत्र थे। परंतु ये बात जो है वो पूर्ण सत्य नहीं कि केवल वे दासी पुत्र थे, वे साक्षात जो है भगवान के 12 महाजनों में से एक थे। जैसा कि आगे कथा में आएगा, एक बार की बात है कि एक राजा जो थे उनके राज्य में, उनका जो पूरा शासन काल था, उस राज्य काल में किसी ने चोरी की, तो काफी राजा का धन चुराया। और राजा का धन चुरा कर वे चोर जो थे, वे चोर राजा का धन चुरा करके सीधे भाग गए। जब वे भागे तो उनके पीछे काफी सिपाही, पुलिस वाले पीछे, काफी पुलिस जो थी वो पीछे लगी उनके। तो जब उन्होंने देखा कि हम किसी तरह बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी पहले के समय में क्या था कि ऋषि मुनियों का काफी सम्मान किया जाता था, तो अपने को बचाने के लिए वे सब लोग जो है वहां पर एक मांडव्य ऋषि थे, उन मांडव्य ऋषि को मांडव्य ऋषि के आश्रम में चले गए। और मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर के वो सारा जो धन था वो सब वहां पर रख दिया और वहां से वो भाग गए। तो राजा के जो पुलिस थी, जो सिपाही लोग थे, वे सब के सब राजा के आदेश के अनुसार मांडव्य ऋषि को पकड़ लाए, क्योंकि मांडव्य ऋषि के पास में सारा धन रखा हुआ था। तो उनको राजा जो थे वे बड़े मतलब थोड़े क्रोधी राजा थे, तो गुस्सेल स्वभाव था उनका, नेचर उनका गुस्सा था। तो राजा ने उनसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं और राजा ने उनको कहा कि आप जो है आप ऋषि हैं, आप संत हैं, आप तपस्या का वेश धारण किए हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, चोरी करते हैं। आप वास्तव में ऋषि नहीं है, संत नहीं है, आप किसी प्रकार तपस्या नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठ करके चोरी कर रहे हैं, और जैसे कोई आपको पकड़ने आता है तो आप चोरी का स्वांग ढोंग रचते हैं। तो इस तरह जब कहा तो मांडव ऋषि उस समय मौन रहे,
और राजा ने उनको एक जो है दंड दिया। दंड किस तरह दिया कि राजा ने उनको क्या किया, किसी को पता है? हरे कृष्णा, किसी यस रोहित जी, बच्चों को हमने भी म्यूट किया है, तो मे बी दे आर नॉट एबल टू आंसर, वो एंड में आंसर देंगे। अगर आप बोल तो बच्चों को म्यूट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ एक बार कर सकते हैं। बच्चे अपना एंडेस कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि कौन आंसर देना चाहेगा, तो उनको अनम्यूट करेंगे हम। हाँ हाँ, यस, मैसेज भी कर सकते हैं मैम इस तरह। सार्थक जोशी, शायद फर्स्ट नाम है सार्थक जोशी का। प्रभु जी, राजा ने मांडव ऋषि को मृत्यु दंड दिया था। हाँ, वेरी नाइस। मृत्यु दंड दिया था, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया, उनको शूली पर चढ़ा दिया। शूल मीन्स उनको शूली पर चढ़ाया था। शूली मीन्स क्या रहता है कि एक शूल रहता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सुई रहती है, तो जो है सुई पर, सुई रहती है। शूली पर चढ़ाना मीन्स क्या रहता है, उस समय जो थोड़ा सा कठिन यातना है, कठिन दंड दिए जाते थे, तो उनमें से क्या देखते हैं कि जो शूली पर चढ़ाया था, तो शूली पर जब चढ़ाया था तो उसमें क्या रहता है कि सूली शूली जो बोलते हैं उसको किस तरह बोलते हैं, जैसे सुई रहती है ना, सुई आप सभी ने देखी होगी, तो जो सुई रहती है वो सुई का एक बड़ा रूप, जैसे बड़ा सा एक खंबा रहता है, बड़ा सा वो पिलर रहता है, 10 फीट 10 फीट 12 फीट का जो सुई रहता है, तो वो सुई, लेकिन वो सुई के आकार का रहता है और काफी मजबूत रहता है। तो उसको जो है सूली पर उनको इस तरह चढ़ा दिया था कि सुई उनके जो है मतलब उनको सुई उनको वहां से कर दिया था जहां से, और फिर वो सुई सीधे चढ़ करके सिर तक, उनके सिर को फाड़ करके सुई निकल कर आर पार हो गई थी, मतलब नीचे से उनको सुई ऐसा लगाया था, तो वो सुई ऊपर तक उनके सिर को फाड़ते हुए आ गई थी, तो इस तरह उनको मृत्यु दंड दिया गया था। तो शूली पर चढ़ाना कहते हैं। तो जब वो शूली पर चढ़े हुए थे तो उस समय, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो फिर इसी बीच में आपने कथा सुनी होगी, तो एक एक स्त्री जो कि अपने पति को लेकर के जाती है, और वो इसी दौर की कथा, इसी संबंधित कथा है, तो हम उसमें नहीं जाते हुए। फिर तो मांडव ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आपके पति ने मेरे पैर का स्पर्श किया है, तो आज से सूर्य जो है आपके पति प्रातःकाल होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो उन जो सती स्त्री थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के बाद, आज से हम, मैं देखती हूँ सूर्य उदय कैसे हो पाएंगे। तो वो एक अलग विषय जाता है, तो हम लोग यहीं पर इसको वो वर्णन करते हैं दूसरे, मतलब विदुर विदुर जी की कथा पर। तो जो कि मांडव्य ऋषि थे, वे एक रात्रि भर, मतलब एक दिन और एक रात तक वहां पर रहने लगे, शूली पर चढ़े हुए थे, और राजा जो थे और जितने भी तपस्वी, जितने भी लोग थे, वे सब देख रहे थे कि ये, इनकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। और उसी समय मांडव्य ऋषि ने ध्यान कर लिया, और ध्यान से, और ध्यान और समाधि कर लिया, जिससे उनको कोई कष्ट, मतलब वो जो तकलीफ थी वो उनको शरीर में नहीं हुई। फिर जैसे ही अगले दिन राजा ने देखा कि अभी तक जो ऋषि हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो वे समझ गए कि नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो बहुत ही दिव्य और बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो कि हमसे एक बड़ी गलती हो गई है, जो मेरे सिपाहियों ने उनको पकड़ कर लाए हैं, तो बड़ा हमसे अपराध हुआ है। इस तरह जब मांडव्य जो है, मांडव ऋषि को राजा ने शूली से हटाया और उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, और बहुत ही उनकी सेवा सुश्रुवा करके उनको थोड़ा स्वस्थ किया। उसके बाद में उनको लगा कि राजा जो मांडव्य ऋषि है वो मुझे श्राप दे देंगे, तो उन्होंने बहुत क्षमा याचना की कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं राजन, आपका कोई इसमें कोई अपराध नहीं, ये अपराध जो है यमराज का अपराध है, मैं यमराज को दंड देने जाऊंगा।
तो ये एक विशेष बात है हमारे भारतवर्ष की कि जो है हम लोग मतलब ये जो तपस्वी लोग हैं इतने श्रेष्ठ होते हैं कि स्वयं जो है शासक को भी दंड देने का अधिकार ये लोग रखते हैं। तो जैसे ही यमराज के पास में जाते हैं तो यमराज से पूछते हैं कि मुझे किस पाप के कारण आपने शूली पर चढ़ाया, तो यमराज उसका विशेष उत्तर दे नहीं पाते हैं, फिर भी अपने थोड़े बचाने के लिए अपने आप को वो कहते हैं कि देखिए आप जब बहुत छोटे थे तो आपने जब आप 8 साल के थे, 8 वर्ष के थे, तब आपने क्या किया था कि एक तितली जो आती है, तितली को आपने जो कि फूलों में रहती है तितली, उसको सुई चुभाई थी, तो उसके कारण आपको ये दंड अपराध जो है मिला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ये जो दंड है ये मुझे गलत दिया, क्योंकि बच्चों को जो है अपराध का दंड नहीं मिलता, या तो उनके माता पिता को मिलता है, या फिर उनको यदि दंड दिया भी जाता है तो वो स्वप्न में दिया जाता है, सपने में, जिससे बच्चे स्वप्न में डर जाते हैं या फिर अकेले में डर जाते हैं। तो इस तरह जब हुआ तो उनको उन्होंने मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि आज मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको दासी का पुत्र बन करके रहना पड़ेगा, और कई युगों तक तुम्हारा नाम जो है दासी के पुत्र के रूप में जाना जाएगा। तो यही हम लोग देखते हैं कि जो है विदुर जी के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये जो है विदुर जी महाराज का एक पूर्व जन्म का वृतांत था। फिर जब महाभारत काल आया, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म लिए और भगवान ने जब जन्म धारण किया, उस समय उनके पूर्व ही जो राजा विचित्र वीर और जो चित्रांगद थे, जो कि महाराज भरत के वंशजों में से थे, तो जो विचित्र वीर थे, जो चित्रांगद थे, उनको तो एक यक्ष ने मार डाला था, और जो विचित्र वीर राजा जो थे उनकी 3 पत्नियां थी, जिसमें से एक जो पत्नी अंबे, अंबिके अम्बालिके, तो अंबे को तो जो है वो अपने परिवार में चली गई थी वापस दोबारा, और जो अम्बालिके और अंबिके जो थी उनका विवाह विचित्र वीर से हुआ था। लेकिन विचित्र वीर को कुछ समय पूर्व कुछ जो है टीवी रोग, जिसको हम लोग जो टीवी आदि बोलते हैं, उस रोग से पीड़ित होने के कारण से उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात वेदव्यास जी से वेदव्यास जी की दृष्टि होने से अंबिके और अम्बालिका की जो है उनको संतान प्राप्त हुई। तो अंबिके और अम्बालिके जो थी उनको धृतराष्ट्र और पांडु जो है महाराज वो जन्म लिए। लेकिन उनके उनके देखते ही धृतराष्ट्र की जो माँ थी अंबिके, अम्बालिके, अंबिके, अंबिके ने क्या किया था, आंखें मूंद ली थी, उस कारण से धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए। और जो महाराज जो पांडु थे जिनकी माँ थी अम्बालिके, अम्बालिके जब महाराज पांडु की माता अम्बालिके जब वेदव्यास ऋषि के समीप गई तो उनको देख करके थोड़ी सी पीली हो गई थी, मतलब डर गई थी, काफी भयभीत हो गई थी। तो उस कारण से महाराज पांडु जो है वो पीलिया रोग से ग्रस्त हुए, इसलिए उनका नाम पांडु कहलाया। तो इनके 2 पुत्र थे, अंबिके अम्बालिके इनके, लेकिन जो रानी जो थी जिनका नाम मत्स्यगंधा भी था, जो कि महाराज विचित्र वीर की माँ थी, उन्होंने जब उनसे कहा कि अब आप एक बार दोबारा जाइए वेदव्यास के पास में, तब उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया, और वे दासी जो थी उन्होंने न तो वो किसी प्रकार भयभीत हुई वेदव्यास जी को देख करके, और ना ही वो डरी या ना ही वो किसी प्रकार से, लेकिन जैसे ही वो सामने जाती हैं तो बहुत प्रसन्न चित होकर के प्रणाम नमस्कार करती हैं, और वेदव्यास जी उनको एक पुत्र का आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें एक पुत्र होगा जो कि बहुत दीर्घायु और बहुत ही दीर्घायु, बहुत ही बुद्धिमान और नीति निपुण रहेगा, इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं। तो ये 3 भाई ने जन्म लिया वेदव्यास जी के कारण। पहले थे धृतराष्ट्र, सेकंड थे पांडु, और थर्ड नंबर पे थे विदुर जी महाराज, ये 3 भाई थे। लेकिन लेकिन धृतराष्ट्र जो थे सबसे बड़े अंधे थे, अंधे को राज्य नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि यदि कुछ युद्ध होता है तो वो अपने शत्रुओं को कैसे पहचानेंगे, किस तरह वो उनको हराएंगे। दूसरे नंबर पे पांडु महाराज थे, उनकी भी कथा है कि
उन्होंने कई वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन किसी ऋषि को उन्होंने गलती से जो है बाण मार दिया था। तो ऋषि ऋषि की पत्नी को तो ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारी भी मृत्यु जल्दी हो जाएगी इस तरह। तो इस प्रकार वे अपनी पत्नी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। और फिर जो है विदुर जी महाराज जो थे, जब पांडु की मृत्यु हो गई तो फिर धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर, इस भारतवर्ष में जो राजगद्दी है मुख्य, उस पर दिल्ली जो है उसमें बिठाया गया। और जब उनको वहां पर बिठाया गया तो विदुर जी महाराज जो थे, एक्चुअल में सभी राजकाज जो था वे विदुर जी महाराज चलाते थे अपने शासन नीति निपुणता के कारण। और वे काफी जो है उनके जो गुरु थे वो साक्षात परशुराम भी थे, महर्षि पारशर से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और उसके बाद में भीष्म पितामह भी उनके शिक्षा गुरु रह चुके हैं। और इस प्रकार कई गुरुओं से साक्षात बृहस्पति के भी शिष्य माने जाते हैं कई उसमें। तो इस प्रकार विदुर जी महाराज ने काफी जो है काफी गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। और हम देखते हैं कि जब कोई भी राज्य में कोई भी कार्य होता था तो बिना विदुर जी के, क्योंकि विदुर जी दासी पुत्र होने के कारण राजा बन नहीं सकते थे, तो जो है धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने उनको एक महामंत्री प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर रखा था। तो जो भी कार्य होता था वे सब के सब जो है विदुर जी महाराज के आज्ञा अनुसार ही होता था। और विदुर जी हर चीज में इतने नीति निपुण थे कि वे अपने कार्य को इतनी कुशलता से करते थे कि पता ही नहीं चलता था कि किस तरह वे कार्य संभव हो पाते थे। इसी प्रकार विदुर जी के जो है उस इतने नीति निपुणता के कारण इस भारतवर्ष में जितने भी राज्य थे वे सारे के सारे राज्य जो थे वे सब धृतराष्ट्र जो है धृतराष्ट्र मतलब दिल्ली जो है उनके अंडर में आ गए थे। और पूरा एक क्षत्र सम्राट जो थे वे धृतराष्ट्र ही उस समय हो गए थे। लेकिन विदुर जी जो है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो विदुर जी ने क्या देखा कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वे दुर्योधन सो पुत्र जो कौरव कहलाए, और जो महाराज पांडु के जो सो महाराज के जो पांडु के जो पांच पुत्र थे धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन नकुल और सहदेव, ये जो पांच पुत्र थे ये नीतिवान धर्मात्मा पुण्यात्मा थे। वो दुर्योधन जो थे वो स्वभाव था पापी थे। तो वे चाहते थे विदुर जी महाराज की किसी प्रकार जो है इनको राजगद्दी पर बिठाया जाए, जो कि धर्मात्मा है पुण्यात्मा लोग हैं, इनको राजगद्दी पर बिठाया जाए जिससे कि इस पूरी पृथ्वी पर धर्म का शासन हो, व्यक्ति जो है सभी के साथ सही हो, किसी के साथ भी गलत व्यवहार न किया जाए। लेकिन दुर्योधन बहुत ही आशावादी था, आकांक्षी था, उसके हृदय में सदैव ये भाव था कि मुझे जो है इस राजगद्दी पर हमेशा बैठे रहना है। तो लेकिन विदुर जी भी चाहते थे और सभी लोग जो लगभग थे वे सभी चाहते थे कि युधिष्ठिर जो है यहाँ के राजा बने। लेकिन दुर्योधन ने काफी षड्यंत्र किए जिसके कारण से जिसमें इनको मारने का काफी प्रयत्न किया। पहला जिससे कई बार कई प्रयत्नों में से उन्होंने बचाया विदुर जी महाराज ने, एक विशेष प्रयत्न जो है लाक्षाग्रह का। लाक्षा मीन्स एक लाख करके एक जो है लाख करके एक धातु रहता है मीन्स जिससे अग्नि एकदम प्रज्वलित हो जाती है, आग जिसपे जलती है। तो लाक्षा लाक्ष का जो है लाख जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, उसका उन्होंने घर बनाया। और धर्मराज युधिष्ठिर और उनके जो पांचों भाई थे उन सभी को उस घर के अंदर ठहरा दिया। लेकिन विदुर जी महाराज ने उनको नीति का उपदेश किया और कहा कि तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो ये तुम्हारी जो है तुमको मार देंगे और ये घर पूरा जब जल जाएगा तो तुम किसी प्रकार बच नहीं पाओगे। तो फिर इस प्रकार विदुर जी की आज्ञा से पांचों भाइयों ने अपने प्राण बचाए। लेकिन बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह विदुर जी महाराज ने किसी तरह युद्ध न हो, शांति से ही कार्य हो जाए, परंतु किसी भी प्रकार से भी जब दुर्योधन ये चाहते थे कि हम पांडवों से युद्ध करें क्योंकि हम तो 100 भाई हैं और जो है पांचों पांडव जो है वो मात्र 5 हैं, तो वे हमसे कैसे जीत पाएंगे। लेकिन ये 5 पांडव इतने बलशाली और बलवान थे कि इन्होंने जो है धर्म ये इनमें इतनी शक्ति थी कि ये दुर्योधन और उनके 100 भाइयों को हरा सकते थे, क्योंकि ज्ञानी भी थे धर्मात्मा भी थे।
तो विदुर जी महाराज ने जब देखा और काफी प्रयत्नों के द्वारा उनकी रक्षा भी की, जब उन्होंने देखा कि ये दोनों दो जो है भाइयों में लड़ाई है, तो विदुर जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं जो है मैं इस महाभारत युद्ध में किसी भी ओर से लड़ूंगा नहीं, और मैं उस समय तीर्थ क्षेत्र तीर्थ यात्रा करूंगा, क्योंकि उनको पता था कि लड़ाइयां होंगी, काफी लोग मरेंगे, परंतु जो है मेरा किसी में ना बोलना ही श्रेष्ठ है। तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए भी कई बार प्रयत्न किए, जिसमें से उन्होंने जो है एक रात्रि जब युद्ध का सब कुछ हो गया था कि हाँ बस युद्ध होने वाला है, तो धृतराष्ट्र ने जो है विदुर जी को बुलाया और कहा कि विदुर तुम मुझे ज्ञान उपदेश करिए। तो विदुर जी ने कहा कि देखिए आपके आप इतने पुत्र मोह में अंधे हैं कि यदि मैं कुछ ज्ञान उपदेश करूंगा अभी तो आप जो है वापिस पुत्र की आसक्ति के कारण इसको भूल जाएंगे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि हाँ दुर्योधन के आते ही मैं सब कुछ ज्ञान भूल जाता हूँ। तो विदुर जी ने उनको समझाया कि देखिए ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बड़ा दिव्य ज्ञान है, और इसको प्राप्त करने से कोई भी व्यक्ति नीति निपुण हो सकता है, आप इसको भूलिए मत और इसको अपने शासन में अपने कार्य में लाइए, जिससे ये युद्ध जो है युद्ध होगा और इसमें करोड़ों लोग मर जाएंगे, तो आप इस तरह कार्य करिए, आप चाहेंगे तो ये युद्ध टल सकता है। तो जब इस तरह का जब उन्होंने ज्ञान प्रदान किया कि राजा को किस तरह होना चाहिए और प्रजा को किस तरह शासित करना चाहिए, इस तरह का जो पूरा नीति निपुण ज्ञान है, जिसमें धर्म भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, नीति धर्म भी है, वैराग्य भी है, ये सारा ज्ञान उन्होंने विदुर नीति नामक जो अपने ग्रंथ में वर्णन किया, जिसको वेद व्यास जी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। तो परंतु जैसे ही अगले दिन रात्रि भर उन्होंने ज्ञान दिया धृतराष्ट्र को कि आप जो है किसी भी प्रकार धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया कि आप किसी प्रकार दुर्योधन की बात मत मानिए, परंतु धृतराष्ट्र वे सब ज्ञान भूल गए और प्रातः काल से ही अगले ही दिन से युद्ध के लिए सारी चीजें शुरुआत हो गई और अंततो गत्वा युद्ध हुआ और युद्ध में पांडव जीत गए। विदुर जी महाराज ने देखा कि पांडव जब जीत गए हैं और पूरा शासन जो है पांडवों के हाथ में अर्थात धर्म के हाथ में हो गया, तो विदुर जी महाराज वहां से जो है कौरव जो है कौरवों में जो प्रमुख जो थे धृतराष्ट्र उनको लेकर के वन में चले गए, और वन में जाकर के उन्होंने भगवान श्री हरि की उपासना की और भगवान श्री हरि की उपासना करके वे भगवत धाम अपने स्वलोक जो उनका लोक है धर्मपुरी धर्मराज जो है उस लोक में वे चले गए यमलोक में। तो इस तरह ये इनकी पूरी कथा आती है विदुर जी महाराज की। तो हम लोग जो है हमको विदुर नीति अवश्य सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि विदुर नीति में हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं, और इससे हमको जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान असाधारण होता है, जो हमारे जीवन के अच्छे और बुरे दोनों समय पर हमको काफी फायदा पहुंचाता है। तो मैं यहाँ पर कुछ एक दो श्लोकों का वर्णन आपको करूंगा, उन श्लोकों को आपको याद करना चाहिए। तो आप लोग कौन कौन रेडी हैं श्लोकों को याद करने के लिए? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग सभी रेडी हैं, लेकिन आप मेल मुझे लगता है कि मुझे देने की अपेक्षा आप लोग भी स्वयं भी ले सकते हैं, जिसमें से कुछ आप लोग इन श्लोकों को लीजिए और इन श्लोकों में कोई से भी विदुर नीति में से 5 श्लोक जो आपको अच्छे लगते हैं वे आप 5 श्लोक अगले हफ्ते तक आप उसको रट करके रखिएगा, मतलब याद करके रखिएगा, हो सकता है कि अगली बार जब क्लास होगी तो उसमें आपसे वे 5 श्लोक जो है जो भी विदुर नीति में से जो भी 5 श्लोक हैं वे आप कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, आप श्लोक दीजिए हमें, तो फिर हम लोग अभी तो आपके साथ साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे, और फिर आप बता दीजिए कौन से श्लोक हैं तो मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में, और सारे बच्चे याद भी कर लेंगे वो श्लोक जो भी तो, आप बताएंगे। मैं इसको लिख करके दूं फिर इस तरह? जी प्रभु जी, अभी तो आप बता दीजिए, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे हम भी आपके पीछे पीछे पढ़ेंगे सारे बच्चे अभी आपके साथ, और आप समझा भी दीजिए, और फिर जो आपने होमवर्क दिया है हमको जो याद करना है वो भी हम याद करके पोस्ट करेंगे ग्रुप में,
जो जो बच्चे याद करेंगे अपना वीडियो बना के भेजेंगे सारे बच्चे। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि सभी यदि एक साथ ही सभी करेंगे तो फिर वो ज्यादा वो नहीं रहेगा। इसके अपेक्षा जो जितना करना चाहता है, मतलब 5 श्लोक सभी को करना है, सब अलग अलग करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और उनके अर्थ भी कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, इस तरह अच्छा सबको श्लोक। हाँ जी जी प्रभु जी, हाँ और अच्छा रहेगा। हाँ तो इससे तो काफी श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम आत्मनाशनम जैसे निश्चित यह प्रकरणते, ऐसे कुछ कुछ श्लोक है मतलब जो कि अच्छे हैं इसमें, लेकिन सभी अच्छे हैं एक्चुअली। हमको जो अच्छा लगता है हमको लगता है यही अच्छा, लेकिन सब कुछ ही अच्छा है। तो इसीलिए 5 श्लोक जो है, 5 श्लोक प्रत्येक बच्चे को अपनी कॉपी में लिखना है और उसको उसका अर्थ भी लिखना है और याद भी करना है। तो सभी लोग विदुर नीति को, क्योंकि मैं दे दूंगा तो आप लोग फिर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको जो और फिर जो भी बेस्ट जो है विदुर नीति में जो भी बेस्ट श्लोकों को जो है लिखेगा उस बच्चे को हो सकता है इनाम भी मिले या ना भी मिले, तो उसको उसका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप लोग सभी 5 श्लोक जो है सभी बच्चे लिख सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। तो अभी श्लोक आप बता रहे हैं इनको, तो जैसे आप लोग ढूंढिएगा, क्योंकि मैं तो हमें 5 बता भी दूंगा तो फिर ये ढूंढेंगे नहीं है, फिर क्या करेंगे बच्चे, फिर वही याद करेंगे। वही याद नहीं करना, जो भी आपको 5 श्लोक अच्छे लग रहे हो वो 5 श्लोक, क्योंकि इस बहाने उनको कुछ और अन्य श्लोक पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। तो उस बुक में जो भी है विदुर नीति भी, इस तरह विदुर नीति भी आपके पास में रहेगी, और विदुर नीति में से कुछ 5 श्लोक आप निकालिए, स्वयं निकाल करके ढूंढिए और उसको आप स्वयं अपनी मर्जी से निकाल करके उसको पढ़िए, ठीक है। और सेकंड कुछ किसी का कुछ प्रश्न है मतलब उनसे विदुर जी से संबंधित या फिर अन्य जो भी प्रश्न है। आधा घंटा है, तो जो जो बच्चे विदुर जी के बारे में और पूछना चाहते हैं आराम से पूछ सकते हैं आप लोग सब, ठीक है। हरे कृष्णा। हम बच्चों को अनम्यूट करने रहे हैं, सारे बच्चे वन बाय वन अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। या तो आप हैंड रेस कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। किसी को देखना है कैसे का श्लोक होता है क्या, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं अपना, ठीक है। यस पद्म प्रियदर्शनी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था कि लास्ट में प्रभु जी जो बोले कि कोई वन धृतराष्ट्र जी के साथ वन को गए, तो वो कौन गए? हरे कृष्णा। हाँ आपका वॉइस क्लियर नहीं शायद। तो मुझे पद्म प्रियदर्शनी का क्वेश्चन था कि एंड में जो आपने बताया कि धृतराष्ट्र गए, तो वो कौन गए, वो उनका क्वेश्चन था। धृतराष्ट्र के साथ में, हाँ धृतराष्ट्र के साथ में हिमालय एक्चुअल गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र और विदुर जी, ये चारों लोग जो है वन गमन कर गए थे। क्योंकि पहले के समय में एक नियम था कि व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब उनका शरीर काफी थक जाता था या फिर वृद्ध हो जाते थे, तो वे लोग वन की तरफ जाते और भगवान श्री हरि का ध्यान करके फिर अपने शरीर को छोड़ देते थे। तो इस तरह शरीर के प्रति उनकी जो आसक्ति थी, अभी इस समय में वर्तमान में हमारी जो आसक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक वस्तु के प्रति, अभी हमको हर चीजें जोड़ना है। और आजकल के समय में इतना ज्यादा, क्योंकि आज देखिए इतने लोग शांति, आज लोगों को शांति क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि शांति वास्तव में त्याग में है, शांति ग्रहण करने में नहीं है, जितनी शांति त्याग में है। जैसे भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं त्यागा शांति रतरम, तो त्याग से शांति मिलती है। मान लीजिए किसी का पेट गड़बड़ हो रहा है है ना, तो उसने कुछ उसने त्याग किया उसको शांति मिली।
तो त्याग करने से शांति प्राप्त होती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि त्याग से शांति मिलती है और हम लोग हर चीज को अपने अंडर में करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, इससे शांति नहीं प्राप्त होती है। तो इसीलिए पहले के समय में लोग कितने भी बड़े राजा हुआ करते थे, राजा भरत जो थे पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, वे राजा भरत को हम देखते हैं और अन्य कई राजाओं को देखते हैं, तो वे अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वृद्धावस्था में जब बुढ़ापा उनको आ जाता था तो वे सब के सब जंगल में जाते थे और भगवान श्री हरि की उपासना करके अपने शरीर को जो है छोड़ दिया करते थे। तो इस तरह उनको भगवत धाम भी प्राप्त हो जाया करता था। लेकिन आजकल व्यक्ति जब उसकी आसक्ति इतनी प्रबल है कि वो जब बड़े एक तो गृहस्थ में आता है, तो गृहस्थ में आता है तो ऐसा गृहस्थ बनता है कि गृहस्थ कभी छोड़ ही नहीं पाता और उसी में लगा रहता है और जीवन के 80 वर्ष 70 वर्ष तक वो जीवन भर धन का उपार्जन ही करता रहता है और फिर अंत में धन का उपार्जन करते करते अपने शरीर को छोड़ देता है, लेकिन वो धर्म का उपार्जन नहीं कर पाता। ठीक है प्रियदर्शनी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सार्थक, ठीक है सार्थक पूछिए। माता जी मेरा क्वेश्चन था, धृतराष्ट्र की संगति में रहते हुए विदुर जी बड़े महात्मा कैसे बने? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है सार्थक का कि विदुर जी जो है एक्चुअल विदुर जी एक तो बहुत ही ज्यादा मतलब ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, और दूसरी बात है कि उन्होंने एक दुष्ट व्यक्ति का संग किया था, ये बिल्कुल सही बात है। धृतराष्ट्र का जो कि पुत्र से अधिक स्नेहिल था, पुत्र के प्रति काफी प्रेम करता था, जो कि उसको पता था कि मेरा पुत्र जो है दुष्ट है, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र के प्रति इतना आसक्त था कि उसकी प्रत्येक बात को वो स्वीकार करता था और उसके गलत बात को भी वो स्वीकार कर लिया करता था। तो लेकिन विदुर जी महात्मा, विदुर जी जो थे इतने ज्ञानी थे और वे इतने सत्पुरुषों का, इतने अच्छे पुरुषों का संग करते थे कि उनके संग के प्रभाव से उनके हृदय में कभी भी धृतराष्ट्र के साथ रहने पर जो मलिनता आती है, जो कि जो कष्ट होते हैं, मतलब जो भी हृदय में, वे सब के सब जो थे वो सब निर्मल हो जाया करते थे, धुल जाया करते थे। तो इसीलिए विदुर जी महाराज जो है, चूंकि स्वयं भगवान के, भगवान के इतने बड़े पार्षद थे, भगवान के 12 महाजनों में से एक थे, तो इस कारण से उनके हृदय में कभी भी धृतराष्ट्र के रहते के साथ में रहते ही दुष्टता नहीं आई, वे सदैव निर्मल बने रहे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। शायद प्रियांशी का है एक कुछ। प्रभु जी मेरे पास 2 क्वेश्चन है। बोलिए। मैंने टीवी पर महाभारत देखी थी तो उसने विदुर को है ना तृतीय यात्रा में नहीं बताया था। आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक, क्या बोल रहे हैं सर? मैंने टीवी पर महाभारत देखी थी, उसमें ना विदुर जी को तृतीय यात्रा पर नहीं बताया था। अच्छा अच्छा हाँ, वो शायद हो सकता है क्योंकि तीर्थ यात्रा पे बद्री आश्रम आदि चल है, इसलिए नहीं बताया होगा, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा शायद बता नहीं सकते थे उन्होंने, लेकिन युद्ध में तो नहीं बताया उनको, क्योंकि वहां पर
वो वहां पर रहते, देखिए स्त्रियों को तो युद्ध में जाने का अधिकार नहीं, तो जो जो उनकी पत्नी जो थी, जिनका जो बहुत ही भगवत भक्त थे, जिनकी कथा आपको पता ही होगी, भगवान ने उनके केले जो उन्होंने भगवान को खिलाए थे, तो भगवान ने केले की जगह उन्होंने भगवान को केले के छिलके खिला दिए थे। तो जो शेलभा नाम की उनकी पत्नी थी, जिनका नाम शेलभा था, तो वो जो थी वो इतनी महान थी, लेकिन वे घर पर रही और विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पे चले गए, क्योंकि युद्ध में स्त्रियों को एंट्री नहीं होती थी युद्ध में, और विदुर जी महाराज जो थे वे युद्ध में भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि युद्ध केवल एक विनाश वाली वस्तु ही है, हमको जितना उससे बचना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। ये शायद टीवी में इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि विदुर जी फिर वो काफी लंबा भी हो जाता है, और कहाँ कहाँ गए और काफी कुछ कुछ रहा, तो किस तरह उसको मैनेज करेंगे। हाँ ठीक है। सत्यवती सत्यवती किसकी पत्नी थी? जो थी एक ऋषि थे। एक्चुअल ये कथा एक अलग से आती है कि सत्यवती का एक दूसरा नाम था मत्स्यगंधा। तो एक बार एक ऋषि जो थे, एक कथा थोड़ी सी वो है, अभी आप बच्चे हो थोड़ी सी, तो एक ऋषि जो थे वो आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उनकी जो दृष्टि है वो एक मछली पर पड़ी, और मछली जो थी उसके पेट में कन्या जो है आ गई, मतलब कन्या का जन्म था उसमें मछली में। तो वो जो मछली थी, उस मछली के अंदर जब वो कन्या जो थी उस मछली के पेट में कुछ समय तक रही और वहीं पर थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि जैसे हम देखते हैं मछलियों के भी बच्चे होते हैं। तो वे जो ऋषि थे, वे जब एक बार वो मछली किसी प्रकार एक जो है मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, और पकड़ करके जब उसको लेकर के आए और उसको जब काटा, तो उसमें से कन्या का जो जन्म हुआ, लेकिन वो बहुत सुंदर थी, तो काफी उसका जो है काफी सुंदरता थी उसकी, लेकिन उसके शरीर में से मछली की गंध आती थी। मछली जो थी उसका जो शरीर था, मछली की गंध आती थी, तो इसीलिए उसका एक नाम मत्स्यगंधा पड़ा, और सत्यवती इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो सदैव सत्य बोलने वाली थी। तो जब एक बार मत्स्यगंधा, जैसे पहले के समय में लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में महिलाओं को एक शोषण किया जाता है और उनको ये, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे धर्म में महिलाओं के प्रति बहुत आदर सम्मान है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का पूजन होता है वहां पर देवता भी निवास करते हैं, और हम देखते हैं कि नारियों को वही सम्मान आदर दिया जाता है जो पुरुषों को दिया जाता था। जैसे कि हम देखते हैं कि और महिलाएं भी पुरुषों के साथ में कार्य करती थी, ऐसा नहीं था कि पहले महिलाएं केवल घर में ही रहती थी, बस उनको जहां पर एक थोड़ा सा जो डेंजर जगह होती थी, डेंजर जोन में उनको जाने नहीं दिया जाता था, जैसे शमशान है या फिर युद्ध वगैरह है, इस तरह उनको वहां से थोड़ा दूर रखा जाता था। नहीं तो हम देखते हैं कि 5,000 वर्ष पूर्व जो है महिलाएं भी उस समय फूल वाली, हम सुनती हैं तो एक फूल वाली, फल वाली, जो भगवान कृष्ण को फल बेचने आया करती थी, फूल बेचने आया करती थी, इनकी कथाएं आती हैं। तो महिलाएं भी उस समय व्यापार आदि किया करती थी। तो मैं क्या बता रहा था कि जो मत्स्यगंधा थी वो अपने पिता के हाथ बटाने के लिए वो भी नाव चलाया करती थी। तो जब वो नाव चला करके जो भी धन उपार्जन करती थी वो पिता को देती थी। तो एक दिन महर्षि पाराशर जो थे वो उस कन्या के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा जो अब पुत्र होगा वो संसार को दिव्य होगा और वो भगवान विष्णु का 70वां अवतार होगा, तो इसीलिए वो सारे वेद और शास्त्रों की रचना करेगा, उसी का नाम होगा व्यास, वेद व्यास। तो ये सत्यवती के गर्भ से जन्म लिए थे ना वेद व्यास जी महाराज। ऐसे वेद व्यास जी के बहुत सारे नाम हैं, तो वेद व्यास जी जो थे उनका जन्म सत्यवती गर्भ से हुआ था, जो उनके पिता जो थे वो कौन थे, महर्षि पाराशर, जो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र जो है वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शत्रि शक्ति के पुत्र थे पाराशर। ठीक है।
ठीक है किसने प्रियांशी और कुछ प्रश्न था? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो मशगंधा के पुत्र बोले उनका नाम क्या था? मत्स्यगंधा के पुत्र का नाम क्या था? यस प्रभु जी, हाँ मत्स्यगंधा के दो पुत्र थे जिनका, जैसे पहले तो वेदव्यास जी का जन्म हो चुका था, तो वेदव्यास जी जो थे वो तो सीधे जन्म लेने के कुछ समय बाद में तपस्या करने चले गए थे, लेकिन जो उनके राजा शांतनु जो हुए थे, शांतनु से उन्होंने शादी की थी, और शांतनु जो थे महाराज जो शांतनु थे उनसे उनको दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो जो चित्रांगद थे वे बड़े थे और विचित्रवीर जो थे वो छोटे थे। तो चित्रांगद जो थे एक बार वे एक वन में गए, उपवन में, और वहां पर उपवन में काफी अच्छे फलदार वृक्ष लगे हुए थे और उनको फल को खाने लगे। तो वहां पर एक यक्ष आया और यक्ष ने कहा कि ये हमारा उपवन है। तो राजा चित्रांगद ने कहा कि नहीं, ये पूरी समूची पृथ्वी जो है इस पर हमारा शासन है। तो इस तरह उनमें दोनों में लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हो गई तो चित्रांगद जो थे वो चित्रांगद जो है उनके साथ जब वो लड़ाई हुई तो उनकी उनको उस यक्ष ने उनको मार डाला। तो इसीलिए फिर सत्यवती के एक पुत्र बच्चे जिनका नाम था विचित्रवीर्य, और विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थी अंबिके अंबालिके, जिनसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, और उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर विदुर जी का जन्म हुआ। ठीक है, ओके प्रभु। ठीक है, और किसी के कुछ प्रश्न? नो। ठीक है, तो आपको पूछना है, हमने जो आज स्टोरी सीखी है और आप लोग को अपना होमवर्क पता चल गया, आप लोगों को विदुर निधि से फर्स्ट लोग का लर्न करना है विद मीनिंग। ओके ओके, शार्ट शार्ट 5 बजने आ गई है, फिर हम लोग आगे अगले महीने मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, थैंक यू सो मच जी फॉर वंडरफुल क्लास। सब बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना और बहुत सारे प्रश्न भी किए, इसका मतलब बच्चों ने सबने ध्यान लगाया है पूरा। तो अभी सारे बच्चे थैंक्स से बोलेंगे प्रभु जी, सबको पता है महामंत्र बोल के, तो हम एक साथ सब महामंत्र बोलेंगे प्रभु जी के लिए और थैंक्स बोलेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो हमारा फेस्टिवल है जन्माष्टमी 3 दिन का, कैसे क्या होगा मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो पहले थैंक्स बोलेंगे प्रभु जी को सारे बच्चे मिलके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, आप सबने सब बच्चों ने ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन कर लिया है जन्माष्टमी का। उसके दो तरीके हैं, एक तो मैंने आपको लिंक भेजा है, आप चाहें तो गूगल फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरा आपको मैंने बोला आप मुझे अपना नाम, आपका एक्टिविटी नेम और आप कहाँ रहते हैं वो, और आपकी एज क्या है ये मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। तो मैंने आपको जो मैसेज किया उसमें ग्रुप का लिंक भी है, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, उस ग्रुप में सारे अपडेट आएंगे कि आपका स्लॉट कब है, आपका कब नंबर आएगा, आपको कितने मिनट का प्रोग्राम करना है, कब आपको रेडी रहना है, और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, किसको कब प्राइज मिलने वाला है, आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो मैंने जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप से मुझे भेजा था अपना रजिस्ट्रेशन, मैंने उनको व्हाट्सएप से ही उनको लिंक भेजा है ग्रुप का, और मैंने सारे ग्रुप में लिंक डाला है ग्रुप को ज्वाइन करने का, मैं आज वापस पोस्ट कर दूंगी। सारे बच्चे ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने मुझे अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपना नाम, अपना एक्टिविटी का नेम,
और एक्टिविटी का नेम, आपका प्लेस, आप कहाँ रहते हैं ये मुझे बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। एक और चीज, एक मिनट हिमांशी, ये जो कंपटीशन होता है इसमें सिर्फ आप नहीं, आपके सारे फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव और आपके मम्मी पापा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सबके लिए है, तो आप सबको बता सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको टेम्पल की तरफ से गिफ्ट्स मिलेंगे और सब बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। ओके, यस हिमांशी, पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? हरे कृष्णा माता जी, माता जी, जो वो है वो सारे ग्रुप ज्वाइंट करने हैं, जैसे सारी क्लास ज्वाइंट करनी है, जैसे कि वो ड्राइंग की, डांस के अलग अलग उसमें दिखाए जा रहे हैं। ग्रुप एक ही रहेगा, उसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, और जिस बच्चों को, जैसे एक ही बच्चों को सारे कॉम्पिटिशन करना है तो वो कर सकता है, ठीक है? और ग्रुप एक ही है, मैं सबको लिंक भेज चुकी हूँ, और जिनको लिंक नहीं मिला मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो मैं भेज दूंगी एक बार और, ठीक है माता जी? मुझे मैसेज करेंगे तो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलो माता जी। जैसे लिंक को दबाते हैं तो अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं, जैसे डांस का, ड्राइंग, भोजन मास्टर स्पेशल में माता जी, ये सब आ जाते हैं तरह तरह के। हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं बेटा। हरे कृष्णा माता जी, माता जी अब आ रही है? हाँ बोलिए, अभी क्या बोल रहे थे? जब लिंक दबाते हैं उस पे क्लिक करते हैं तो कई सारे ग्रुप बन जाते हैं, तो डांस वांस सब वगैरह का आते हैं ग्रुप, सबका एक ही ग्रुप है, उस सब में आपको सब में करना, सबको ज्वाइन कर सकते हो। यस माता जी। ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं आपको लिंक भेजूंगी वापस, आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको लिंक भेजूंगी, उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है माता जी? हाँ जी सार्थक। माता जी श्लोक बोल के भेजना है क्या? श्लोक आपको उसमें लाइव ही बोलना रहेंगे, आपको लाइव हम लोग देंगे जूम प्लेटफॉर्म। ओके ओके माता जी, थैंक यू माता जी। ओके ठीक है बच्चों, सो वी आर गोइंग टू, हां यू एक यू आर एक और, और मैं आपको जूम में ही माता जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं आपको ग्रुप में अभी लिंक भेज रही हूँ ग्रुप का, ठीक है? तो आप अभी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अभी के अभी मैं चैट बॉक्स में अभी आपको जूम में ही लिंक भेज रही हूँ। ओके देखिए, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भेज दिया है चैट बॉक्स में, सारे बच्चे देखेंगे, और मैं आपको वो भी कर रही हूँ, लिंक भी भेज रही हूँ ग्रुप का। ओके ये मैंने आपको लिंक भेजा है, अभी आपको दिखा सबको, ये फॉर्म भरने का लिंक है, और जो लिंक ज्वाइन करना है ग्रुप का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको लिंक भेजा है अभी। और मैं ग्रुप में सबको शेयर कर दूंगी। ओके बच्चों, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा आर्यन। माता जी, the first link you have sent us in the chat box, it is for the Google form for registration. Yeah. Okay, Mataji. And the second link is for group.
Yes. And if you don't want to fill a Google form, you just WhatsApp me. Your name, your activity name, your age, and your place. Okay. Okay, Mataji. Okay. Mataji, we have to join the group. Yes, you have to. आप सबको जरूर ही ग्रुप में ज्वाइन करना है. ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी. तो आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा जो मैंने भेजा है, ठीक है. और मैं आज सारे ग्रुप में वापिस सारे जितने भी ग्रुप सब में लिंक शेयर कर दूंगी सारी. ओके माता जी. एंड माता जी, वी हैव टू सेंड द लाइक इफ वी डोंट वांट टू रजिस्टर, वी हैव टू सेंड आवर नेम आवर एक्टिविटी इन दैट ग्रुप. नहीं, वो आपको मुझे पर्सनली भेजना है. आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है. जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है वो मुझे व्हाट्सएप में मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, ग्रुप में नहीं. ओके ओके माता जी. ओके, थैंक यू एवरीवन. So let's end here. Everyone, thank you so much for joining. Mataji? Yes, Jita. Mataji, like what activities can we perform? You can do so many activities. जो मैंने मैसेज डाला है ग्रुप में उसमें सारी activities लिखी हुई हैं. जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, भजन श्लोका हो गया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो गया, फैंसी ड्रेस हो गया, ऑल्टर डेकोरेशन हो गया, भोग ऑफरिंग हो गया. ओके ओके माताजी, थैंक यू. ओके, हरे कृष्णा. यस सार्थक. ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम. हरे कृष्णा.